हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है कंपनी, और अगर इन कंपनीज में आपका पैसा लगा हुआ है तो इन कंपनी की ग्रोथ के साथ आपका पैसा भी और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस करती है, किस तरीके से आपको बाय करना चाहिए, डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप में से बहुत जने क्या करते हैं, स्टॉक का नाम देखते हैं और वीडियो को एंड कर देते हैं, तो आधा अधूरा अगर नॉलेज लेंगे तो वो आपके लिए ही डेंजरस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगने वाला है वो आपका लगने वाला है। तो आप लोग अगर आपका खुद का पैसा लगा रहे हैं तो पूरा इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर डिसीजन लीजिए। केवल स्टॉक का नाम देखने से पैसा नहीं बनता है, उसमें अगर बाय चांस करेक्शन आता है तो उसको होल्ड करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा जब तक आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन उस स्टॉक के बारे में नहीं होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, और वीडियो अगर नहीं देखना है तो आप लोग उसको देखिए ही मत, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा जो है डाउट नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के स्टॉक को, और पहले स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। क्लोजिंग दिया है इसने 1301 का। पिछले सेशन की अगर बात करते हैं तो 0.13% अप था। 1 वीक की अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 4.03% अप है। 1 मंथ की अगर बात करें तो आप देखेंगे 3.36% का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर का अगर आप देखेंगे तो 9% का आपको इसमें रिटर्न मिला है अगर पैसा लगाया हुआ होता तो। 9% यहाँ पर जरूर आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन जिस टाइम पीरियड में ये रिटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ज्यादा खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी मोस्टली अगर अच्छा बिजनेस भी है, जिन कंपनी का सेल्स भी अच्छा हो रहा है, तो क्या होता है करेक्शन जब आता है तो अच्छी कंपनी के शेयर भी गिर जाते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना होता है, उन कंपनी के शेयर्स को एक्यूमुलेट करना होता है। जबकि मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है, हम किसी भी स्टॉक में एंट्री ही नहीं कर पाते, ये सभी के साथ होता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको लेवल्स भी इसी वीडियो में बता दूंगा किस लेवल पर अगर ये स्टॉक आता है तो आपको ज्यादा बाइंग करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग होल्ड कर सकते हैं। फिर अगर देखें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस नाम में ही छुपा हुआ है इसके क्या कंपनी बिजनेस करती है। आप सभी ने कभी ना कभी इससे इंश्योरेंस जरूर कराया होगा, टू व्हीलर का भी। और लार्ज कैप की कंपनी है, मार्केट कैप का देखें तो 59,000 करोड़ से ऊपर का है। पीई के अकॉर्डिंग अगर आप इस कंपनी को देखोगे, हमेशा ये शेयर आपको महंगा लगेगा, और सेक्टोरियल पीई से अगर देखोगे तो ये स्टॉक महंगा ही है, लेकिन जिस तरीके से इसका बिजनेस है, इसका पीई हमेशा ही आपको ज्यादा नजर आने वाला है। अब हम देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो फाइनेंशियल्स में जब आप नजर डालेंगे तो आप इसका रेवेन्यू देखिए लगातार, एफआई 2017 में देखिए, 2018 में देखिए, 19 में देखिए, 2020 में देखिए, इनका रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर इनकी नेट इनकम भी आप देखेंगे, नेट इनकम भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन इस स्टॉक में करेक्शन भी आ रहा था, वो भी आप देखें, ये वाला इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखें, प्रमोटर्स ने थोड़ी होल्डिंग कम की है, लेकिन इतना भी कम नहीं किया है, अभी भी 50% से ऊपर का है, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये चीजें भी बता देता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बड़ा बड़ा हुआ है वही बताकर आपको इन्वेस्टमेंट करने का बताया जाता है चैनल पर, जो भी है क्लियर है, और आप लोग अच्छे से नॉलेज लीजिए और पैसा बनाइए, यही इस चैनल का मोटो है। अब चलते हैं इसके चार्ट पर, और चार्ट पर हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, और मंथली चार्ट का मतलब है आपकी ये जो एक कैंडल है वो 1 महीने की है, 1 महीने का ट्रेंड बता रहा है। तो आप लोग देखेंगे, यहां से देखिएगा, कर्सर को देखिएगा, इस कर्सर पर आप जब नजर डालेंगे तो मैं आपको थोड़ा हाइलाइटर से ही बताता हूं, नजर डालेंगे तो ये वाला आप लोग देखिए, ये वाला, ये महीना तो अभी स्टार्ट हुआ है, इसको साइड में रखिए, 1 2 3 4 5, 5 महीने से ये स्टॉक फ्लैट है, आप देख सकते हैं एक रेंज में, यानी कि पेशेंस आपका बहुत ज्यादा ये स्टॉक टेस्ट कर रहा है। और मंथली चार्ट पर मेरा जो 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, और वो है 1270 का,
और इसके पास आपको बहुत सारी इस स्टॉक ने अपॉर्चुनिटी दी है, बार बार आया है, आपको मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बोला है। और उसके बाद देखें फीबो के अकॉर्डिंग कितना लेवल आ रहा है, 1250 का, और उसके बाद आ रहा है 1130 का। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे पास रेंज आई है। और ये जो 1250 है, बीच में इसका एक सपोर्ट भी बन रहा था 1220 के आसपास में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में इसके जब भी पब्लिश हुएंगे वहां पर बताया था मैंने। तो आप देखें कहीं ना कहीं इस पूरी रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है और अभी भी जिस प्राइस पर चल रहा है बिल्कुल वर्थ बाइंग है। आप लोग अभी भी एंट्री कर सकते हैं और ये लेवल नोट डाउन जरूर करके रखिएगा। अगर स्टॉक नीचे आता है तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आप लोग इस स्टॉक में ऐड कर सकते हैं, और वर्स्ट केस सिनारियो ही इसका 1100 का है, तो 200 रुपए का रिस्क है और पैसा डबल होने का चांसेस है। तो आप देख सकते हैं रिस्क कम प्रॉफिट ज्यादा, तो आपको ये अप्रोच इस स्टॉक में करनी है तो आपका पैसा इस स्टॉक में बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। बहुत ही सिंपल रखता हूं मैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पैसा लगा पाए और पैसा बना पाए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, 569 रुपीज का प्राइस चल रहा है। प्राइस के मामले में देखोगे तो अच्छा है। वन डे की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 1.75% का रिटर्न बनाकर दिया है। वन वीक का अगर आप देखें तो नेगेटिव में है 1% का। वन मंथ में अगर आप देखेंगे वहां पर भी नेगेटिव है, और वन ईयर अगर आप देखेंगे तो 4% का नेगेटिव रिटर्न है। यानी कि ये स्टॉक तो 1 साल पहले की प्राइस पर ही हमें अवेलेबल हो रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो ये भी स्टॉक लार्ज कैप का है, 1,14,916 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका पीई भी आपको हमेशा हाई ही देखने को मिलने वाला है। और एक लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं इनकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाली है, तो आप अभी से अगर आप बाय करोगे तभी जाकर आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा। और इसके भी अगर जब फाइनेंशियल्स देखते हैं हम, तो आप लोग देखिएगा इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 2020 में इसका रेवेन्यू थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं रहा है। नेट इनकम की बात करेंगे, नेट इनकम इसका 2017 में देखिए, 2018 में देखिए, 19 में देखिए, चाहे 2020 में देखिए, आपको इसका नेट इनकम बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जो कि साइन है कि कंपनी ग्रो कर रही है स्लोली स्लोली। अब चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर हम देखेंगे तो आप लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने, आप देखिए म्यूचुअल फंड का कितना ज्यादा होल्डिंग बढ़ा दिया है, विच मीन्स कि ये स्टॉक में बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड वालों को देखकर बाई नहीं करेंगे, हम अपना चार्ट देखेंगे, चार्ट पर हमारा लेवल आएगा तो हम लोग बाय कर लेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग भी देख लेते हैं किस तरीके से रहा है, तो प्रमोटर की होल्डिंग में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अब इसका डिविडेंड भी देख लीजिए कितना देता है। डिविडेंड की अगर बात करें तो 1.63 रुपीज का ये डिविडेंड इसने 2019 में दिया था, मार्च में दिया था। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी मैं आपको डिविडेंड बता देता हूँ, मैं वहां पर भूल गया था। और आईसीआईसीआई अगर लोम्बार्ड का भी देखें तो 2019 में भी 2 बार डिविडेंड दिया है, यानी कि 7 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है। 2020 का भी इसका डिविडेंड बाकी है। अब चलते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के चार्ट पर। मंथली चार्ट लगा कर रखा है अगेन, और इसमें भी देखिए 10 का एक्सपोनेंशियल कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। और प्राइस क्या है, 555 का लेवल, 555 का लेवल, 555 ऊपर का फीबो का लेवल कितना आ रहा है, 577 का। और फिर नीचे के लेवल देखें तो एक लेवल आ रहा है हमारे पास 532 का, 530 में यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूं, और वर्स्ट केस सिनारियो है 496 यानी कि 500 रुपए। अब आप देखें इस स्टॉक में आपके पास अभी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर बाय करना है। ये स्टॉक इन फ्यूचर आपको 1000 रुपीज के ऊपर जाता हुआ जरूर नजर आने वाला है, यानी कि पैसा डबल करने का पोटेंशियल। और रिस्क कितनी है आपकी, अगर ये स्टॉक ज्यादा से ज्यादा नीचे गिरा तो 500 रुपए तक आ सकता है, अगर बहुत ज्यादा करेक्शन होता है तब जाकर, ठीक है। और चांसेस कितना है प्रॉफिट बनाने का, पैसा डबल करने का पोटेंशियल है, और इससे भी ज्यादा पैसा बनाकर दे सकता है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का भी एडवांटेज होता है। तो HDFC लाइफ के ये लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी आपकी रेंज में, अभी भी आप लोग एंट्री कीजिए।
फिर ये स्टॉक थोड़ा नीचे गिर जाए और बाई कीजिए, आपको रेंज पता है 530-40 के आसपास मिले तो भी बाई कीजिए, 550 के आसपास मिले तो भी बाई कीजिए, और 500 के आसपास आ जाए तो वहां पर अमाउंट को जस्ट डबल कर दीजिएगा। सपोज 5000 लगा रहे हैं तो 10000 या फिर 15000 वहां पर लगाइएगा यहाँ पर, ताकि आपका सीधा अगर नीचे गिरेगा ना तो एवरेजिंग कॉस्ट ऐसी जगह पर आ जाएगी जहां से ये स्टॉक अगर फिर बाउंस बैक करना स्टार्ट किया तो वहां से आपको बड़ा रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।